अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आयशाज किचन वर्ल्ड। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही आसानी से बड़े मज़े का बनकर तैयार होता है। तो आइए अपना हलवा बनाना शुरू करते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो हमने यहाँ पर गाजर ली है और इसे अच्छे से वॉश करके ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर हमने हलवे वाला खोया लिया है जो बारीक होता है, 1/2 किलो हमने हलवे वाला लिया है और 50 ग्राम यहाँ पर नॉर्मल खोया लिया है। इस तरीके हाफ कप हमने काजू लिए हैं, 1/2 कप पिस्ते लिए हैं, 1/2 से थोड़े से ज़्यादा बादाम लिए हैं। इन्हें इस तरीके से हमने कट कर लिया है। यहाँ पर एक भारी तली का हमने पैन ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध। अब दूध में पहले हम अपने बॉयल आने देंगे, इसके बाद हमें इसमें अपनी गाजर ऐड करनी है। दूध में हमारे बॉयल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे पहले चला देंगे। अच्छे से चलाते हुए हमें इसे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपनी गाजर ऐड कर देंगे। अब इसमें ध्यान से हम गाजर डालना शुरू करेंगे। सारी गाजर डालने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे दूध में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसे चला देंगे बीच बीच में ताकि हमारा दूध जल ना जाए और इसे कुक कर लेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं हमारी गाजरों को दूध के साथ पकते हुए। अब हमें इसे चलाते हुए जब तक कुक करना है जब तक कि हमारा दूध बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता, हमें तब तक इसे कुक करना है। लगभग 1/2 घंटा हो गया है हमारी गाजर को पकते हुए। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। हमने यहाँ 250 ग्राम शुगर का इस्तेमाल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक कि हमारी चीनी ने जो इसमें पानी छोड़ा है वो खुश्क नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं हमारा पानी बिल्कुल चीनी ने जो छोड़ा था वो खुश्क हो चुका है। 10 से 12 मिनट ही लगे हैं हमें इसको चलाते हुए कुक करने में। इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी और इसे अच्छे से अपने हलवे के साथ कसाई करेंगे। अभी हम अच्छे से भून लेंगे घी के साथ अपनी गाजरों को। अब इसी के साथ हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे अपने हलवे के साथ ही। 1/2 हमने इसी में डाल दिया अपने हलवे में और 1/2 गार्निशिंग के लिए बचा लिए। अब यहाँ हम सबसे पहले नॉर्मल खोया डाल रहे हैं, इसे अपने हलवे के साथ ही हम भून लेंगे। और जो हलवे वाला खोया है वो भी हमने इसमें थोड़ा सा डाला है और 1/2 हम बचा लेंगे। जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा जब इसे डालेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है खोए को, ड्राई फ्रूट्स को। आप देख सकते हैं घी बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो चुका है हमारे हलवे से। 4 से 5 मिनट ही और कुक करना है हमें अपने हलवे को। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं हमारे हलवे को कुक होते हुए, बस हमें ये ऐसा ही चाहिए। अब हम अपने हलवे को पहले रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और उसके बाद खोया ऐड करेंगे, नहीं तो वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा जो अच्छा नहीं लगेगा। ये है हमारे गाजर के हलवे का फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। हमने कुछ इस तरीके से खोए को और ड्राई फ्रूट्स को डेकोरेट किया है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से बड़े मज़े का बनकर तैयार होता है और जब आप खाते हैं तो और ज़्यादा दिल खुश होता है जितनी मेहनत बनाने में लगती है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई नई वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।